हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2020 के लिए जो कोड है उसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके मन में। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है अच्छे से और समझना है, समझने के बाद ही आपने कोड को फिल करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कोड वन किसके लिए हैं? कोड वन उन बच्चों के लिए हैं जो फ्रेशर्स हैं, मतलब जो 2020 में अपने 12th के एग्ज़ाम देंगे और उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो हैं फ्रेशर्स। और उनका क्या है, कोड वन है, तो फ्रेशर्स को तो कोई भी डाउट नहीं है, उन्होंने सीधे से कोड वन फिल कर देना है। जो अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं और 2020 में अपने 12th के एग्ज़ाम देंगे, उनका कोड हो गया 01। अब देखिए, 02 कोड किसके लिए आता है? 0 कोड टू उनके लिए आता है जो बच्चे गैप लेकर अपना, मतलब उन्होंने बीएससी या कुछ और नहीं किया है, सीधा वो क्या कर रहे हैं, गैप लेके 12th के बाद, भले ही 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, बीएससी वगैरह किसी भी चीज़ में उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, वो उनका क्या कोड होगा? उनका कोड होगा 02। अब देखिए, 03 किसका कोड होगा? 03 कोड होगा, जैसे कई जगहों पर ऐसा होता है कि प्री डिग्री ऐसा है, प्री डिग्री एजुकेशन है, वहाँ पर क्या होता है, 11th 12th को जूनियर कॉलेजेस मानते हैं और सीनियर कॉलेजेस, यहाँ पर जूनियर कॉलेजेस और सीनियर कॉलेजेस का सिस्टम है, कई जगह पर ऐसा होता है 10+2 ऐसा, मतलब उनको जूनियर कॉलेज मानते हैं 11th 12th को, वो फिल करेंगे 03 कोड। उसके बाद देखते हैं 04 कोड किसका होगा। देखिए, 04 कोड होगा, आप में से तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो, मुझे लगता है कि आप में से तो किसी का नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, मैं समझ पा रही हूँ, 04 कोड उनका होगा। जैसे कि कुछ बच्चे वेटनरी या फिर किसी और बीएमएस ऐसे कुछ भी, मतलब प्री मेडिकल्स पहले ही वो कुछ कर रहे होते हैं, अब वो कोई भी कोर्स कर रहे हों तो उनके लिए होगा 04 कोड, जो पहले ही जैसे वेटनरी जैसा ऐसा कुछ कर रहे होंगे उनके लिए, जो प्री मेडिकल कॉलेज में पहले ही होंगे उनके लिए होगा 04 कोड। और मुझे लगता है आप में से तो किसी का नहीं होने वाला है। अब देखिए, 05 कोड किसका होगा? 05 कोड उनका होगा जो बीएससी कर रहे हैं, मतलब 12th के बाद आप बीएससी में एडमिशन ले लिए हैं, अब भले ही आपका बीएससी फर्स्ट ईयर हो, बीएससी सेकंड ईयर हो या फिर बीएससी थर्ड ईयर हो, तो आपने क्या करना है, 05 कोड को वहाँ पर फिल करना है। अब देखिए, 06 कोड, आपने बीएससी कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से, मतलब बीएससी भी आपने ध्यान रखना है कि बीएससी भी आपने किस, आपके पास सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अब उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपके पास इनमें से 2 सब्जेक्ट तो कंपल्सन है आपके, कि होना चाहिए, कंपलसरी है 2 सब्जेक्ट का होना, ज़्यादातर बच्चों के पास केमिस्ट्री और बायो होता ही है तो, और या फिर बायोटेक्नोलॉजी से, इन्होंने जिससे बीएससी पास किया होगा इस सब्जेक्ट से, तो वो फिल करेंगे 06। और 07 कोड किसका होगा? 07 कोड होने वाला है उन बच्चों का जो, मतलब जैसे बाहर से जिन्होंने पढ़ाई की है कुछ भी, और वो फिर आके एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनका 07 कोड, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, 07 कोड फिल करना है। समझ गए आप अच्छे से, 06 07 कोड कब फिल करना है, कैसे फिल करना है, आप समझ गए होंगे। 01 कोड होगा उन बच्चों का जो फ्रेशर्स हैं, 12th में हैं और साथ में नीट का एग्ज़ाम देंगे। 02 कोड उनका होगा जो गैप लेकर बीच में अपनी स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, बीएससी वगैरह में। 03 कोड उनका होगा जहाँ पर प्री डिग्री कॉलेज का ऐसा सिस्टम है, जहाँ पे जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज ऐसा होता है, उनका 03 कोड है। 04 कोड उनका है जो पहले ही कोई किसी मेडिकल कॉलेज में है, वेटनरी वगैरह कुछ भी कर रहे हैं। 05 कोड उनका है जो बीएससी कर रहे हैं, भले ही फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, लेकिन आपने सब्जेक्ट ध्यान रखने हैं पीसीबी या बायोटेक्नोलॉजी, पीसीबी में से 2 का होना तो ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद होता है 06 कोड, 06 कोड उनका होगा जिन्होंने बीएससी पास कर लिया है, वो फिल करेंगे 06 कोड को। और 07 कोड होगा, मतलब इंडियन बोर्ड के अलावा, इंडियन बोर्ड जो होता है उसके अलावा आपने कहीं भी कोई कहीं से भी स्टडी की है, बाहर से स्टडी की है और आप नीट देना चाहते हैं, तब आपका कोड होगा 07। अच्छे से समझ आ गया होगा उम्मीद करती हूँ, अगर नहीं समझ आई है अभी भी कोई बात तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर सेपरेटली या तो वही आंसर दे दूँगी या फिर सेपरेटली उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको समझा दूँगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।